हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम असलम का सब क्या हाल है ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से जी? अली बात कर रहा हूँ इराद से जी? फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं जी। जनाब हमारे पास दो पैसे हैं। जी। एक में का तो हमारे सामने ना पिछला थान जो सेकने वाला होता है जी वो सूजा था, जी ठीक। उसमें से वो काफी गंद भी आया था। डॉक्टर साहब को हमने बुलाया था, उन्होंने टीके लगवाए थे। किस चीज के? उसके बाद डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने अच्छा टीके लगाया थे, उससे बिल्कुल सोच में उतर गई थी और अच्छा थन भी साफ हो गया था, बिल्कुल साफ हो गया ठीक। था। पर उस थन से दूध बहुत कम आ रहा था, करीबन 2-3 किलो का फर्क पड़ गया दूध का। ठीक और दूसरी बहन से उसका भी डॉक्टर साहब यही मसला, बाकी उसका ना कुछ भी वो सूजन वगैरह कुछ नहीं हुई। जी 2-3 महीने से मुलाजम ही वो दूध निकालते और पता भी नहीं चला। आज कल मैंने जब देखा तो उसके ना उसके थन में से भी करीबन 1.5 या 2 किलो दूध कम आ रहा था। काम आ रहा ठीक है। और वैसे तो सोजिश तो नहीं है ना? जी नहीं दरअसल बिल्कुल और नहीं, वही उसकी आंखों से मसला पानी बहुत आता है, जी। उसकी आंखों से पानी बहुत आता है। अच्छा, तो वैसे तो ठीक। कौन सी जगह, कौन सा गांव है? जी हम गुजरात से, मरल टाउन से। अच्छा, ये शहर से ही है। अच्छा जी ठीक है। तो अब सिर्फ आपको एक तो शिकायत है कि ठीक तो हो गई है लेकिन दूध कम कर गई है, बहुत जी बहुत कम कर दी है। बहुत कम कर गई है। असल में जब भी इंजेक्शंस लगाने होते हैं ना, ये जब भी मैस्टाइटिस होता है, इनको थनों की सोजिश या थनों का प्रॉब्लम होता है, तो मैं हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज देता हूं जिसकी वजह से दूध कम नहीं करती। वो है, एक खीर बना के देते रहते हैं 6-7 दिन के लिए। वो दूध में लहसुन और मीठा सोडा और सफेद जीरा, वो उसका उसकी खीर बना के देते रहते हैं, तो फिर वो नहीं काम करती। लेकिन अब वो जाहिर है ये कर जाती है काम इस तरह, तो बेहतर ये है कि मेरी जान उसको आप उसकी एक तो वंडा थोड़ा बढ़ाएं, और दूसरा ये है कि वंडे में एक कैरासिल ना सॉरी ये मिल जाता है, डीसीपी पाउडर है ना, इसकी मुख्तलिफ शक्लों में एक निटाफास, आजकल ये बड़ा चल रहा है निटाफास। हाँ निटाफास, वो कोई उधर से देखे पैकेट मिल जाए, या एक कोमी कैल्सी वेट है, कोमी कैल्सी वेट ये भी देते हैं, ठीक है ना। और आजकल वैसे भी स्ट्रेस आ रहा है ये वेदर की वजह से, उसमें एक नई चीज दे रहा हूं, अभी तक मैंने किसी को नहीं दी, ये है, आप जरा आजमाएं इसको भी, ये फॉस वेट। हाँ फॉस वेट 50 ml। हाँ ये जनरल वीकनेस के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाए, लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, वैसे भी कमी हो जाती है ना जब ये वो, ये एक तो ये इसका इस्तेमाल करें, दूसरा यह है कि निटाफास 100 ग्राम वनडे में मिक्स करके ना वो भी दें, ठीक है। इसके साथ कुछ देसी भी डॉक्टर साहब बता देसी, देंगे क्या ये पौष्टिक देसी वही है कि सफेद जीरा, वो आधा पाव सफेद जीरा ले लिया करें 100 ग्राम, और 2 लीटर दूध में रात को भिगो दिया, और सुबह वनडे में जब डालते हैं उसी में डाला और वो खा जाएगी सारे, बिल्कुल ठीक हो गए ठीक है, एकदम। उससे दूध बढ़ेगा। और सर्दी है, सर्दी में थोड़ा एक और काम करें कि हफ्ते में 2 दिन, एक दिन हफ्ते में 2 दिन, आज क्या तारीख है, जी आज तो 26 है, मेरे पास टाइम है। 26 जनवरी है और इतवार का दिन है, और ये मैंने वैसे कॉल्स लेन ये रखी नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए, लेकिन चले ये इमरजेंसी गुजरात का है ना यार, गुजरात शरीफ तो वैसे मेरा अपना भी बड़ी नहीं नहीं मेरी जान, कोई बात नहीं, तो मैंने कहा चलो यार ले लेता हूं। तो बात यह है कि आप निटाफास दें उसको, और थोड़ा सा देसी यही है कि खुराक जरा अच्छी कर देंगे तो उससे भी दूध बढ़ाएगी इंशाल्लाह, ठीक जी दूध है। तो वैसे ही डॉक्टर साहब तकरीबन एक तो जो है वो तकरीबन टाइम का 7-8 लीटर दे रही है, अच्छा नहीं ज्यादा करेगी दूसरी इंशाल्लाह, ज्यादा बढ़ा दूसरी जाएगी। जो एक टाइम का है वो तकरीबन
किलो वो भी अच्छा तो तकरीबन 10-16 लीटर दे रही है बड़ी जो भैंस है। तो वेरी गुड। तो फिर और भी उसका और बढ़ाना है तो उसका हमेशा याद रखें, उनकी जरूरियात जो होती है ना, जो दूध ज्यादा जो जो देती जाती हैं उनकी जरूरियात बढ़ती जाती हैं। ये कल मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने उसको बताया था कि इसका जो प्रोटीन की जरूरियात वो भी बढ़ जाती हैं, इसी तरह रेशादार अज्जा उनकी भी, चिकनाई की, कैल्शियम, खास तौर पे दूध ज्यादा देने वाली को ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस वो भी ज्यादा चाहिए होती है। प्रोटीन ज्यादा जब चाहिए तो प्रोटीन में वंडे जो हैं उनमें खलों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा कर लिया जाता है। जी हम तो फीड डाल रहे हैं सब काफी अरसे से। जी अच्छा, ये बनी बनाई बनाई वो किसका है, आईसीआई का वंडा डाले नहीं नहीं किसका? केपी केपी नाम है इसका। अच्छा तो वो तो हम जो ज्यादा दूध देती है दूध के हिसाब से हम देते हैं, जो ज्यादा देती है उसको तकरीबन 30 से 40 रुपए क्लेम कर दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो हर एक के मैं हमेशा जो वंडे बनवा के भी देता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि 3 लीटर पे 1 किलो, एक किलो वंडा डाले 3 लीटर अगर दे रही है, अगर 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 किलो वंडा डालें, 9 लीटर दे रही है तो 3 किलो वंडा डालें। ठीक है मेरी जान, ये करें मुझे इंशाल्लाह फजर करेगा। डॉक्टर साहब एक आदमी ने बताया कि इसको ना वो जिनका दूध कम हो इनको देसी घी जो है वो आप दूध में डाल के देते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन प्रो जो होती है ना चिकनाई की, इनको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, याद रखें। ये कोई अगर 14 से 20 लीटर दूध भी देती है ना कोई, तो उसको सिर्फ 3% चिकनाई चाहिए होती है। थ्री परसेंट 3% इज नॉट मच अमाउंट। और ये और इसको बस तेल, वैसे जो सर्दियां हैं इसमें मैंने आपको 400 ml हफ्ते में 2 दिन, मैंने आपसे तारीफ पूछी थी तो ये बताने लगा था यही कि आज इतवार है, इतवार को अगर आप आधा आधा किलो भी दे देते हैं इसको आज अलसी का तेल, तो उसके बाद आप ये मिड वीक में यानी कि बुध वाले दिन या जुमेरात को फिर एक 400 ml या आधा किलो वो तिल का तेल वो मंडे में डाल के दे दें, तो उससे ये होगा कि इनको सर्दी से कुव्वते मुदाफ़त भी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब आपका थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम ना इंसाना जात जो है ना जी जी बहुत बहुत ज्यादा देते हैं हम, वेरी गुड। और तेल भी जब सर्दी शुरू हुई है ना जी हाँ हाँ तब से हम तिल का तेल, हाँ ये पनीर पनीर, हाँ वेरी गुड, अजवाइन, हाँ वो, जीरा, हाँ हैवियों, अलसी, ये सबको पानी में डाल के इनको बना देते हैं हाँ और इसमें से फिर तेल डाल के वो दे देते हैं। वेरी गुड, ये करके किया करें बिल्कुल बेहतरीन रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी यही हम देते हैं, बस मसला इनका जो दूध के एक साल में कम हो गया ना वो की परेशानी बहुत ज्यादा। नहीं अल्लाह फजल करेगा, वो अभी ठीक हो जाएगा। ये अब जब ये जो है ना सफेद जीरा और दूध वो आप करके रखेंगे तो इंशाल्लाह इससे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और साथ ही ये निटाफास 100 ग्राम हर एक वंडे में डाल के देंगे निटाफास, तो उससे भी बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरी बात जी? जीरा 100 ग्राम बोले ना जी? 100 आधा पाव 200 ग्राम ही हुआ ना, 100 ग्राम। जी बिल्कुल, ठीक है, 100 ग्राम। आधा पाव का मतलब यही है कि 100 ग्राम। ठीक है, और गुजरात का क्या हाल है, ठीक ठाक है गुजरात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार मेरा मेरा दिल चाहता है कभी कभी जाके अपना स्कूल देखूं जिसमें मैं पढ़ा हूँ ना, वो पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1 में मैं पढ़ा हूँ, तो मैट्रिक वहां से किया था, तो मेरा दिल चाहता है कि कभी जाके देखूं, मिलूं आपका, आजकल कौन है इंशाल्लाह। मैं बहुत प्यार करते हैं, इससे कोई इसमें कोई शक नहीं कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने देखा है, नोट किया, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन ज्यादा पाकिस्तान में। बस ये
ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल दुआ करे अल्लाह ताला कबूल करे, ये बेलौस खिदमत है। बेलौस खिदमत जो होती है, वैसे भी वो मैंने पढ़ा हुआ है कि बेलौस खिदमत वो इंसानियत की मेराज है। तो ये अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए और दुआ करे अल्लाह ताला ये है जी चलता रहे सिलसिला, बस दुआओं में याद रखे, ठीक है। ओके, पूरा नाम आपने अपना क्या बताया? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली तो पीछे शुरू से गुजरात शहर से ही है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फतुपुरा ठीक है ना? वो हमारा स्कूल होता था उधर, पब्लिक हाई स्कूल नंबर 1। पता नहीं अब वहां से कहीं वो पुराने थे, बहुत जाहिर है बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। हाँ ओके, फिर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, वो शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर और गुरूर होगा। ये मैं इब्ने माजा से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, फ़ीमान अल्लाह। फ़ोन नंबर 0333-512-1879।